हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं सामान लेने आई हूँ ग्रोसरी, तो मैंने यहीं से वीडियो स्टार्ट कर दिया। कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट किया है और एक दिन मतलब कल तो मेरी वीडियो गई नहीं थी, आज मैंने वीडियो अपना सुबह से स्टार्ट कर दिया। मैं सोचती हूँ कंटिन्यू वीडियो डालूं, लेकिन नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं लग रहा। फिर मैंने आज सुबह से ही वीडियो अपना शुरू कर दिया कि मैं वीडियो बना के बस डाल दूं, क्योंकि बीच में गैप हो जाता ना तो अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कंटिन्यू वीडियो आए मेरी। और गुड़िया ने अपनी क्लास ले ली, ये मेरा थोड़ा बहुत हेल्प करा देगी, अब काम में करा देगी ना गुड़िया। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोला, क्या बोल रहा था गुड़िया? तू तो देख के कुछ ही सारा कर रहा था। और जैसे ही मैं झाड़ू लगाने गई ना, तो मुझे आवाज आई रद्दी वाले भैया की, तो मैंने उनको बुला लिया, क्योंकि मेरी रद्दी बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी। पेपर इकट्ठे हो जाते हैं मेरे, तो एक महीने से ऐसे ही रखे थे, और जीने में ना फिर जगह नहीं बचती, भीड़ हो जाती है। तो पहले मैंने आज भैया को बुलाया, मैंने अपनी सारी रद्दी निकाली, उसमें भी टाइम लग गया, मैं झाड़ू लगाने जा रही थी। तो चलिए अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, अपना काम करती हूँ। तो ये मैं गुड्डू गुड़िया के लिए दूध डाल रही हूँ, इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल के दे दूंगी, और फिर इनकी ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी, बीच में टाइम नहीं लगेगा। एक साथ कई क्लासे हो जाती है ना, तो बीच में टाइम नहीं लग पाता, इसलिए हल्का फुल्का कुछ भी नाश्ता मैं करा देती हूँ। तो तब तक ये कर लेंगे और अपना काम कंप्लीट करके फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो सुबह सुबह का काम जल्दी का होता ना, तो बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे दे देती हूँ मैं हल्का फुल्का नाश्ता, बाद में प्रॉपर तरीके से बना लेती हूँ फिर मैं। और ये तो फिर लेट ही खाते हैं हम दोनों, तो वही 11:30 बज जाते हैं। फिर मैं अपना काम कंप्लीट करके फिर सबका इकट्ठा खाना बना लेती हूँ, मतलब नाश्ता बना लेती हूँ। वही लेट हो रहा ना, आजकल रूटीन सारी चेंज हो रही है, क्योंकि स्कूल नहीं जाते, ऑफिस नहीं खुले, उस वजह से लेट उठना लेट खाना। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, काम सारा कर लिया, काम करने के बाद ही मैं गई थी नहाने, और सर धो लिया था मैंने सुबह ही। और अभी मैं बाहर आई थी झाड़ू लगाने के लिए जीने में, क्योंकि जीने में जितना भी मैंने रद्दी रख रखी थी ना सारी सुबह सुबह, वो बेच दी भैया को। और फिर देखा मैंने कि धूप निकली है तेज और कपड़े मेरे सूखे हुए हैं, तो मैं कपड़े पहले उतार लूँ, क्योंकि धूप में ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और मैं ना इसमें पजामे में देख रही थी कि पता नहीं क्या कागज़ सा धुल गया, देखा तो 110 रुपये ही इसमें धुल गए, पर बच गए, पैसे ख़राब नहीं हुए, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। धुलने के बाद भी पैसे बच गए, तो मैं कह रही थी इनको मैं ही रखूँगी, क्योंकि मुझे ही मिले हैं। तो ये मैंने ले लिए, और कई बार ध्यान नहीं रहता ना, धुल जाते हैं कपड़े। कल तो मशीन इन्होंने लगाई थी, तो ज़्यादातर ये ऐसे ही धो देते हैं। पैंट वगैरह होती है तो चेक कर लेते हैं, पजामे में जल्दी से ध्यान नहीं रहता ना कि कुछ रखा होगा, और ये पजामे में रखे थे, क्योंकि पार्क गए ना, तो पार्क में ये गुड़िया के लिए ले जाते हैं पैसे, ये कुछ ना कुछ रस्ते में मांग ही लेती है। तो अब मैं जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जीने में ज़्यादा गंदा हो रहा ना, तो बहुत ज़्यादा मैसी भी था, इस वजह से मैंने सोचा जिस दिन मैं अपने ये बेचूंगी ना, एक दिन अच्छे तरीके से सब कुछ हटा के जब झाड़ू लगाऊंगी, वैसे तो मैं लगा देती हूँ, पर वही है ऊपरी ऊपरी सफाई हो पाती है, ढंग से नहीं हो पाती। तो ये रैक वैक सब झाड़ के अच्छे से, और यहाँ से कपड़े वपड़े सब हटा के, ये पर्दे ही है जो इस पर ढकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा वैसा रैक नहीं है ना, आजकल तो रेडीमेड रैक भी आया है जिसपे कवर होते हैं, तो मतलब कवर से ढका रहता है, तो स्लीपर वगैरह जूते कुछ भी रखते हम गंदे नहीं होते। और यहाँ पे खुला है ना, और मेरा रैक भी वैसा ही है लकड़ी वाला, तो उसमें जल्दी गंदे होते हैं, तो मैं कवर ढक देती हूँ सारा एक जगह रख के, उससे थोड़ा सा ये है कि बचाव हो जाता है। तो ये वाला मैंने ढक दिया इस पे, और सारा यहाँ से सामान मैंने सब हटा दिया, और जीने में झाड़ू लगा दूँगी। वैसे मुझे छत पर भी लगानी थी, मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को वीडियो में भी दिखाई थी, पर कर नहीं पाई मैं, क्योंकि इन्होंने लेंटर भी डाला ना, तो वो दोबारा, अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाई झाड़ू, वरना फिर दोबारा मेहनत होती मेरी। अब सारा इकट्ठा एकदम समेट लूँगी,
अब दोबारा इन्होंने लेंटर डाला ना, तो वो सारी रेत मट्टी रोड़ी मोटी मोटी सारी बिखरी पड़ी है, तो वो मुझे सारी साफ करनी पड़ेगी। और धूप ज़्यादा तेज़ है, तो इस वजह से मैं कर भी नहीं पा रही। या तो शाम के टाइम करूँगी या फिर सुबह जिस दिन जल्दी उठूँगी तो करूँगी। और जिस दिन तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि करना ही पड़ेगा, ये तो टाइम निकाल के। ज़्यादा गंदी हो रही है छत, तो यहाँ से भी मैंने बहुत सारा सामान हटाया। आज मेरा ये साफ हो गया और चढ़ने उतरने में भी कुछ भी परेशानी नहीं होगी। बच्चे भी उतरते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखती, साफ़ ही रखती हूँ वैसे तो। बस पेपर थे, अखबार जो आते हैं, अखबार ज़्यादा हो गए थे इस बार, तो वो सारे मैंने निकाल दिए आज, तो काफ़ी खाली हो गया। और सारा घर का काम तो मैंने कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन। बर्तन तो धो दिए थे पर नाश्ते के अभी भी रहते हैं। अभी जो नाश्ता किया था ना वो बर्तन है बस, और किचन दोबारा फैल गई तो वो भी मुझे संभालनी पड़ेगी। और कल जो मैं मॉल गई थी ना सामान लेने, मैंने आप लोगों को जो थोड़ी सी क्लिप डाल के दिखाई, रात को आए तो लाइट जाई मिली हमें, मतलब लाइट चली गई थी पता नहीं कैसे, सिर्फ हमारी गई थी और किसी की भी नहीं गई थी। फिर आके इन्होंने फ़ोन किया इलेक्ट्रॉनिक भैया को, वो आए तो फिर उन्होंने बताया कि नीचे मीटर में तार जल गई, तो तभी रात को 9-9:30 बजे ठीक कराई लाइट। और फिर आके सारे नहाए, उसके बाद मैंने खाना बनाया, तो रात को इतना लेट हो गया था। जाएंगे अब ट्यूशन? ट्यूशन तो जाना पड़ेगा भाई, मैं क्यों छुट्टी करिए एक, है ना? जाओगे ना ये ट्यूशन? अकेले चले जाओगे फिर तुम नहीं। बड़ी मम्मी के घर अकेले चले जाइयो फिर 4:30 बजे। मैं गुड़िया को छोड़ के चली जाऊंगी, तू पार्क जाके फिर सीधा वहां चला जाइयो, ठीक है? और इसमें मैं उगाऊंगी अब मनी प्लांट, तो ये मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था ना, तो मैं आज इसमें मनी प्लांट उगाऊंगी। और सोच रही हूँ कौन सी उगाऊं, दो तरह की है तो देखती हूँ कौन सी लूंगी। गिरा दे फ्रिज के पास चाय, ये मेरा बस काम बढ़ाने पे रहते हैं। अब यहाँ पे लगाऊंगी, सारे में चिप चिप कर दी। और यूं सोचे कि एक बार में सारा सामान उठा के ले जाऊं, उठाने के चक्कर में ना वो सारा यहाँ पे लाके गिरा दिया, सारे में चिप चिप होगी, सारे में पोछा दोबारा लगाना पड़ रहा है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, मैं तो सुबह सुबह इस चक्कर में नहा ली थी कि पानी फिर टंकी का गर्म हो जाता है, और इनको भी बोल दिया था मैंने या तो आप नहा लो या पानी अभी भर के रख लो क्योंकि ठंडा हो जाएगा जब नहा लेना। रखा रखा तो ठंडा रहता बाथरूम में, और टंकी से जो डायरेक्ट आता ना वो तो बहुत गर्म हो जाता है, जैसे कि गर्म कर दिया हो, उस तरीके से गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो चलिए फिर, वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।